इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर ओकिनवा इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने का मामला सामने आया है। इस बार आग एक दो स्कूटर में नहीं बल्कि पूरे शोरूम में लगी है। मामला तमिलनाडु का है। सबसे पहले एक स्कूटर में आग लगी। स्कूटर से उठी चिंगारियों ने कुछ ही पलों में पूरी डीलरशिप को अपने आग की भट्टी में तब्दील कर दिया। ओकिनावा के इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की यह चौथी घटना है। हालांकि इस घटना से पहले ओकिनावा ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों को रिकॉल करने का फैसला किया था। भारत में यह पहली बार है जब कोई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ने अपनी गाड़ियों के लिए रिकॉल जारी किया है।